नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। मांझियाव से अनूप सिंह की रिपोर्ट। मांझियाव प्रखंड क्षेत्र एवं नगर पंचायत क्षेत्र समेत ग्राम पंचायत स्तर पर लॉकडाउन व धारा 144 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लापरवाह लोगों पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस पहल भी नहीं की जा रही। खासकर सुबह बाजार में अजीब सी चहल पहल रहती है। लॉकडाउन में सिर्फ जरूरी सामग्रियों की दुकानों को खोलना है, लेकिन यहां तो हाफ शटर खोल अन्य कई दुकानें खुलती हैं। वहीं शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर सरेआम भीड़ लगी रहती है और साथ ही कई दुकानों पर भीड़ भी एकत्रित हुआ करती है। इसके बावजूद और तो और कई खेत खलिहान में युवा वर्ग क्रिकेट व तथा कई निर्माणधीन मकान में जुआ खेलते रहते हैं। इससे इस महामारी को और ज्यादा फैलने का खतरा प्रबुद्ध नागरिकों को सता रहा है। लोगों के अंदर या तो जागरूकता की कमी है या फिर वे जानबूझकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस विषय पर सीओ सह दंडाधिकारी राकेश सहाय ने कहा कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए हम सब लगे हुए हैं, ताकि कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचा जा सके। नियमानुसार धारा 144 लागू रहने के बावजूद भी इसका उल्लंघन करने वालों पर सजा का भी प्रावधान है। अगर लोग अनुपालन नहीं करेंगे तो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी कड़क से पेश आएंगे। वहीं सुबह की भीड़ को देखते हुए राकेश सहाय ने दुकान खोलने का समय में परिवर्तन किया है। किराना दुकान सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। इस धारा में पुलिस 4 या उससे ज्यादा लोगों को एक जगह एकत्रित होने पर रोक लगाने का पूरी तरह उनके अधिकार के दायरे में है। यहां तक कि लोगों को घर से बाहर अनावश्यक रूप से घूमना प्रतिबंधित है। राकेश सहाय ने बताया कि लापरवाह लोगों के प्रति व धारा 144 उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रशासन कड़ाई से निपटेगी। लॉकडाउन मझियाव में कमोबेश पूरी तरह से सफल है, लेकिन प्रशासन ये ऑब्जर्व कर रहा है या महसूस कर रहा है कि सुबह के समय में थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो रही है, खास करके सब्जी बाजार में। तो इन सभी पहलुओं पर हम लोगों ने व्यापक रूप से विचार विमर्श किया है और लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से सफल बनाने के लिए मझियाव प्रशासन ने ये तय किया है कि अब किराना की दुकानें जो हैं वो 7 बजे से 12 बजे के बदले 9 बजे से 1 बजे तक, सुबह के 9 बजे से 1 बजे तक मझियाव प्रखंड में ये सभी दुकानें खुलेंगी। यानी कि किराना की दुकानें 9 बजे से 1 बजे तक अब खुलेंगी। सब्जी की दुकानें जो हैं वो मुख्य बाज़ार में शिफ्ट की जाएंगी। जो पहले सब्जी बाज़ार में वो यहाँ सब्जी वाले लगाते हैं अपना ठेला खोमचा, वो लेकर के अब मेन बाजार में बैठेंगे। उनके लिए भी समय 9 बजे से 1 बजे है, लेकिन सब्जी वालों के लिए ये सुविधा है कि अगर वो अपने ठेला पर या अपने सर पर रख करके सब्जी गली गली बेचना चाहें तो वो 24 घंटा बेच सकते हैं, उन्हें इसकी इजाज़त है। लेकिन बैठ के बाजार में बेचने के लिए सब्जी वालों को भी किराना दुकान की तरह 9 बजे से 1 बजे तक ही इसकी अनुमति दी जाएगी। फल वालों के लिए ये स्पष्ट कर दिया जा रहा है कि वो 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपना फल का दुकान लगा सकते हैं। सर, किराना दुकान के अलावा और दुकान खुला रहता है, जूता दुकान, कपड़ा दुकान? नहीं, इस तरह की बातें अगर हैं तो वो गलत हैं। अभी स्पष्ट रूप से सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए ये लॉकडाउन के नियमों में ढील दिया गया है। अतः जो अति आवश्यक सामग्री बेचने वाले दुकानदार हैं, मसलन की किराना दुकान, मेडिसिन के दुकान, फल के दुकान, सब्जी वाले, बस इन्हीं लोगों को अनुमति है कि वो अपनी दुकानें खोलेंगे और वह भी सिर्फ 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक। मेडिसिन की दुकानें, दवा की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी, उस पर किसी भी तरह का रोक नहीं लगाया गया है। साथ ही जो चिकित्सक हैं वह भी 24 घंटा अपनी दुकानें खोल करके आप लोगों की सेवा दे सकते हैं। और फल वालों के लिए भी ये स्पष्ट किया जा रहा है वो 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। सर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुलिस प्रशासन गश्ती कम कर दिए हैं? नहीं, पुलिस पूरी तरह से गश्त में है, नियमित गश्त पर है। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, जनता के साथ तालमेल बिठा करके हम लोग काम कर रहे हैं। जनता को थोड़ा और जिम्मेदार बनाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जनता के तरफ से भी पर्याप्त सहयोग मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
सर लॉकडाउन के मद्देनजर सर जब खेल के सब बच्चे लोग खेल खेलते हैं मैदान में खुले आम चौक चौराहे पर आते हैं सर, कहीं इस तरह की बातें कहीं कहीं हो रही हैं, लोगों को भी इसके बारे में जरा सोचना चाहिए कि अगर लॉकडाउन है तो उसका सख्ती से पालन करें, क्योंकि कोरोना वायरस एक सप्ताह का जो ट्रेंड है वो बड़ा तेजी से बढ़ा है, ये सभी के लिए चिंता की बात है। भारत सरकार, राज्य सरकार सभी इस बारे में काफ़ी चिंतित हैं और लोगों से ये अपेक्षा की जा रही है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी आम लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस गंभीर विपत्ति में सहयोग करें और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, अपने घरों में रहें, बेहद ज़रूरी होने पर ही वो बाहर निकलें। सर कुछ गाड़ियां भी चहलकदमी ज़्यादा करने लगे हैं लोग लोकल नहीं, हमने आपको कहा कि ये लोगों के सहयोग पर निर्भर करते हैं करता है, और अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो फिर हमें बल प्रयोग का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि एक दुखद स्थिति होगी, क्योंकि हम लोग को लॉकडाउन किसी भी हालत में सख्ती से इसका पालन करना है। लगातार प्रयास करने के बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं, इसलिए हमने जो किराना की दुकानों का समय है उसको परिवर्तित कर दिया है, उसको 9 बजे से 1 बजे तक कर दिया है, ताकि जो अति आवश्यक होने पर ही लोग बाहर निकलें, क्योंकि ऐसा ये महसूस किया जा रहा है कि सुबह सुबह का समय होने से लोग बेवजह सड़कों पर आ रहे हैं। तो सख्ती से पालन किया जाएगा सर? निश्चित रूप से सख्ती का पालन किया जाएगा, सख्ती बरता जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुलिस प्रशासन को और सख्ती बरतने का निर्देश दे दिया गया है। धन्यवाद। सभी कंपनी के लैपटॉप कंप्यूटर का सेल व सर्विसिंग की जाती है। एम कंप्यूटर लैपटॉप से जुड़े सभी तरह के एसेसरीज जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, एलसीडी मॉनिटर, होम थिएटर, यूपीएस इत्यादि उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। कंप्यूटर लैपटॉप से संबंधित किसी भी तरह की सेवा के लिए संपर्क करें गुप्ता आईटी सॉल्यूशन बीपी प्लाजा मेन रोड के बगल में प्रीति ड्रेसेस के सामने। संपर्क नंबर है 7995718499।